मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में विकास कार्यों को लेकर श्रेय लेने की राजनीति भी नेताओं के बीच शुरू हो चुकी है। मामला है बुरहानपुर जिले का, जहां विकास कार्यों को लेकर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस का दावा है कि भावसा मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट बीजेपी सरकार के दौरान पूरा हुआ और कमलनाथ की सरकार के दौरान अटका था, तो वहीं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने पूर्व मंत्री के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट की दी थी। शेरा ने कहा कि तत्कालीन स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा था कि आपकी सरकार में बोलकर फॉरेस्ट विभाग के 8 करोड़ रुपए डलवा दो, जिसके बाद कमलनाथ से बात कर मैंने फॉरेस्ट के 8 करोड़ रुपए डलवाए थे और इसके बाद कार्य शुरू किया गया था। सर्वे करने की फॉरेस्ट क्लियरेंस पहले 12 में मिली, फिर कुछ 13 में हमें माजवीर पंचायत से फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जो जरूरी कागज थे वो हमें उपलब्ध हुए और इसकी डीपीआर बनकर इसके नक्शों के अप्रूवल करते करते इसका जो प्रशासकीय अनुमोदन है वो 2017 में प्राप्त हो चुका था और 2017 में प्रशासकीय अनुमोदन होने के बाद ये लगभग 159 करोड़ से अधिक लागत की योजना है। चालू करने का काम तो आदरणीय कमलनाथ जी को लाख लाख धन्यवाद दूंगा मैं। उनकी जो 15 महीने की सरकार है उसमें हमारे जो पूर्व सांसद महोदय आदरणीय स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान ने मुझे बोला कि शेरा भैया आपकी सरकार है, आपकी सरकार से बोलो कि ये 8 करोड़ रुपए फॉरेस्ट वाले जमा करवाए जिससे कि भावसा डैम का काम चालू हो जाए। तो वाकई मैंने उनकी बात मानी। नंदू भाई ने पहले फर्स्ट काम मुझे बोला था तो मैंने करवाया, कमलनाथ जी ने मेरी बात मानी